नागपुर में 15 साल पुराने और 812 मीटर लंबे टेकड़ी फ्लाईओवर को तोड़ने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। बुधवार से फ्लाईओवर तोड़ने का काम शुरू किया गया, जहां पहले दिन नीचे की दुकानें तोड़ी गई, वहीं आज शुक्रवार को ऊपरी हिस्से को तोड़ने का काम चल रहा है। नागपुर का सुप्रसिद्ध टेकड़ी मंदिर जिस तरह पूरे राज्य भर में मशहूर है, उसी तरह अब इस मंदिर के सामने वाला फ्लाईओवर जिस पर अभी हम इस वक्त मौजूद है, टेकड़ी फ्लाईओवर के नाम से प्रसिद्ध ये फ्लाईओवर जिसका अभी जिसे तोड़ने का काम जारी है। आप मेरे पीछे ठीक पीछे देख ही सकते हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो इस फ्लाईओवर को तोड़ने का काम कर रही है। साल 2008 में बना ये टेकड़ी फ्लाईओवर जो टेकड़ी मंदिर के सामने है, जिसकी वजह से इसे लोग टेकड़ी फ्लाईओवर के नाम से जानते हैं। साल 2008 में करीबन 16 करोड़ की लागत में बना ये फ्लाईओवर आज ध्वस्त हो रहा है। बुधवार 19 जुलाई से इसे ध्वस्त करने का काम शुरू है और अब तक आप देख ही सकते हैं कि इसकी खुदाई बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए हो चुकी है। यहाँ पर इस फ्लाईओवर की जो कॉन्क्रीट है, वहाँ आपको देख सकते हैं कि मशीनों द्वारा यहाँ पे इसको खोदा गया है। आपको बता दूं कि आगे ठीक पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। इसी रेलवे स्टेशन की वजह से, क्योंकि रेलवे स्टेशन पास में ही होने की वजह से, इस जो फ्लाईओवर है ये मानस चौक से शुरू होकर रेलवे स्टेशन के सामने खत्म होता है। इसी की वजह से इस व्यू तो बनाया इस पुल को यातायात सुचारू करने के लिए था, लेकिन चूंकि रेलवे स्टेशन मौजूद है तो वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या काफ़ी उत्पन्न होती थी, जिसकी वजह से महामेट्रो द्वारा इस पुल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। साल 2008 में 16 करोड़ 23 लाख की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था। इस फ्लाईओवर को बनाने का मकसद रेलवे स्टेशन के सामने होने वाले ट्रैफिक जाम को कम करना था, लेकिन समय के साथ ही निवारण की जगह समस्या का और भी कारण बन गई। इसी को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे तोड़कर इसकी जगह 6 लेन की सड़क बनाने का तय किया। साल 2008 में 16 करोड़ की लागत में बना ये जो फ्लाईओवर है जो अभी ध्वस्त हो रहा है, ये 10 मीटर चौड़ा करीबन था, लेकिन अब इसे जो ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि रेलवे स्टेशन के सामने वाले क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए ये फ्लाईओवर फिलहाल अपर्याप्त और असुविधाजनक साबित हो चुका है, इसलिए रेलवे स्टेशन के सामने ट्रैफिक जाम से बचने के लिए इसे तोड़ा जा रहा है। महामेट्रो ने फ्लाईओवर तोड़ने का काम मुंबई की मेसर्स मॉट कंपनी को दिया है। कंपनी ने मौसम सही रहने पर 15 दिनों के अंदर ही फ्लाईओवर तोड़ने की बात कही है। मानस चौक से फ्लाईओवर तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। पहले दिन नीचे की दुकानों को तोड़ने के बाद आज ऊपरी हिस्से को तोड़ने का काम शुरू किया गया। कंपनी 2 पोकलैंड मशीनों द्वारा ऊपरी हिस्सा तोड़ रही है। जिस गति से फ्लाईओवर को तोड़ा जा रहा है, उसको देखते हुए तय समय में काम पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। रेलवे स्टेशन से अगर कोई निकलता तो उसे सुचारू रास्ते तक पहुंचने के लिए करीबन आधा घंटा लग जाता, लेकिन अब इस समस्या से निकलने के लिए यहाँ पर टेकड़ी फ्लाईओवर को तोड़ा जा रहा है। आप मेरे पीछे देखिए कि टेकड़ी फ्लाईओवर को तोड़े जाने का काम शुरू हो चुका है। बुधवार 19 जुलाई से इस काम को शुरू कर दिया गया है और अभी तक आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें जो है यहाँ पर टेकड़ी फ्लाईओवर को तोड़ रही है। बताया जा रहा है कि करीबन 15 दिनों के भीतर ही अगर काम इसी तरह शुरू रहा तो ये पूरा टेकड़ी फ्लाईओवर 15 दिनों के अंदर ही टूट जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि अगर बारिश होती है तो उसकी वजह से काम बाधित हो जाता है, और अगर बारिश नहीं होती है तो दिए गए समय यानी 15 दिनों के भीतर ही ये टेकड़ी फ्लाईओवर टूट जाएगा। तो ये थी टेकड़ी फ्लाईओवर की तस्वीरें। अब इसके बाद यहाँ पर बनने जा रहा है 6 लेन का सड़क, जिससे यातायात में जो है आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। वो कब बनेगा अभी उसकी निधि तो उसका समय हमें नहीं पता है, पर फिलहाल अनुमान है कि 15 दिनों के अंदर अगर बारिश नहीं होती है तो ये पूरा फ्लाईओवर ध्वस्त हो जाएगा। फ्लाईओवर को तोड़ने के बाद इस सड़क को 6 लेवल में बनाया जाएगा। साथ ही यहां रेलवे स्टेशन पर आने वालों के लिए पार्किंग की सुविधा और 200 दुकानों का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। इस फ्लाईओवर के पूरी तरह टूट जाने के बाद यहां बनाई जाएंगी 6 लेन की सड़क, जिसकी वजह से ट्रैफिक
के सुचारू होने में मदद मिलेंगी। और उसी के साथ ही जिन दुकानों को फ्लाईओवर के नीचे जो मौजूद दुकानें थी उनको तोड़ा गया है, उनके लिए भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। 200 दुकानों के लिए करीबन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की संभावना है। और बताया जा रहा है कि इस रोड को जो तोड़ा गया है वो इसीलिए क्योंकि रेलवे स्टेशन जो मौजूद था उसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी यहाँ पर होता था, जिसकी वजह से जो इसका पुल का उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो रहा था, इसीलिए इस पुल को तोड़ा गया है। साथ ही आगे जब 6 लेन रोड बनेगा उसी के साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनेगा और रेलवे स्टेशन के लिए पार्किंग भी बनाई जाएगी। तो ये थी टेकड़ी फ्लाईओवर से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, कैमरामैन अजित कुंवर के साथ अक्षय वैद्य अंसारी, BCN News नागपुर।